तक 60% लगभग वोटिंग हुई है और मणिपुर में 3 बजे तक 68% हुई है और त्रिपुरा में 3 बजे तक लगभग 43% वोटिंग और मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 46% मतदान हुआ है। लगातार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं और देखिए तस्वीरें भी देखिए, उन दिग्गजों की भी तस्वीरें देखिए जिन्होंने आज अपने मताधिकार का किया है। इसके आम पास है जो अब ईवीएम में कैद हो गया है और 4 जून को नतीजे आएंगे। दूसरे फेज का ये चुनाव है और ऐसे में ये तस्वीर बेहद महत्वपूर्ण। स्थितियां बताई किस तरीके से कहां पर अब तक लगभग 3 बजे तक कितना मतदान कहां पर हुआ है, वो वोट फीसद भी हमने आपको गिनाया और इसके अलावा तमाम जो बड़े दिग्गज चेहरे हैं वो भी चुनाव प्रचार तो खूब किया लेकिन अपने मताधिकार का भी वो बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नेहा शर्मा की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। इसके एक बड़े कलाकार का इस्तेमाल, तमाम जो बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने वोटिंग का, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रियंका रवि लवीना कहां पर आप मौजूद हैं और अब तक कितना मतदान हुआ है वहां? मेरठ में मैं आपको ये पोलिंग सेंटर दिखा रही हूँ जहाँ पर लगातार जो लोग हैं उनके आने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। हालांकि जिस तरीके से फर्स्ट फेज की वोटिंग देखी गई थी उसी तरीके से कुछ रवैया फिलहाल भी बना हुआ है, लेकिन 8 सीटों में जहाँ पर आज मतदान हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा फिलहाल जो वोटिंग परसेंटेज नज़र आ रहा है वो मेरठ का ही नज़र आ रहा है। और कारण आप देख रहे हैं कि अभी भी इस वक्त भी तेज़ धूप के बाद जब हल्की सी धूप अब छटने लगी है, थोड़ी शाम होने लगी है, तो भी लोगों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में आज की अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि 8 सीटें जो कम से कम यूपी में आज जिनमें चुनाव हो रहा है उनमें मेरठ थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म करेगा। जी, यानी मतदान का जो स्तर है वो बेहतर यहाँ पर हुआ है। लवीना के पास हम जाएंगे। लवीना, क्या तस्वीर आप दिखाएंगी, कितना उत्साह मतदाताओं के अंदर दिख रहा है मतदान को लेकर? उत्साह में थोड़ा खलल शिवानी जरूर डाल दिया है और जो तादाद मुझे सुबह बहुत ज्यादा दिख रही थी वो अब धीरे धीरे कम होती हुई चली जा रही है। उसका कारण सीधा सीधा धूप है। हालांकि जब मैं लोगों से बात कर रही हूँ तो वो यही कह रहे हैं कि शाम होते होते जरूर हो सकता है लोग यहाँ पर आना शुरू हो जाएं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं। आप मतदान करने के लिए आए हैं? वो डाल दिया? रवीना, आपके पास हम वापस लौटेंगे। रवि के साथ कुछ मतदाता वहां पर मौजूद हैं। रवि, हम चाहेंगे आप बातचीत उनसे करिए, क्या उनका कहना है, मतदान किस तरीके से वो कर रहे हैं, दिखाइए तस्वीर। कोटा की ये जो पोलिंग बूथ है और अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार और लोकसभा स्पीकर और यहाँ से मौजूदा सांसद ओम बिरला ने भी वोट अपना दिया परिवार के साथ, लेकिन अभी थोड़ा सा भी वक्त वोटरों के बदल कर लेना चाहते हैं और व्हील चेयर के जरिए आई हैं। माता जी, कितनी उम्र होगी इनकी, आपकी कितनी उम्र? 76। अच्छा, कुछ तकलीफ है चलने में? हाँ। अच्छा, कहाँ, कितना दूर है घर यहाँ से? यहाँ शक्ति नगर है, शक्ति मेरा ओम बिरला जी के थोड़ा आगे है। अच्छा, आपने वोट दे दिया इन्होंने? हाँ, इन्होंने वोट दे दिया। अच्छा, क्या कहना है यहाँ पे कोटा में, क्या मुद्दे रहे हैं इस बार? बेटर ही है, काम हुआ है, डेवलपमेंट का काम हुआ है? हाँ, डेवलपमेंट बहुत हुआ है। हम भाई साहब ने बहुत डेवलपमेंट किया है हमारे। अभी और भी उम्मीद है? और उम्मीद है भाई साहब हमारे। जी रवि, तो लोगों ने, मतदाताओं ने उम्मीद अब भी लगा रखी है और फिलहाल जो उनका फैसला है वो सुरक्षित हो गया है ईवीएम में, अपना मताधिकार का इस्तेमाल वो करके पहुंचे। अरुण के पास भी हम आएंगे। अरुण, क्या तस्वीर आप दिखाएंगे, वायनाड में इस वक्त मौजूद है, एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट। देखिए, पहली बात तो यह कि केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को अपनी टैली जो है उसको बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है। पूरे देश में बीजेपी को अपनी टैली, जितनी सीटें उनको मिली थी उनको सुरक्षित रखना है, लेकिन उल्टा है। यहाँ पर केरल में कांग्रेस को सुरक्षित रखना, 20 में से 19 सीटें जीता था कांग्रेस का गठबंधन, एक ही सीट वो हारे थे। इस वक्त अगर मैं तस्वीरें दिखाऊँ आपको तो ये जो पोलिंग बूथ है कलपेटा का, यहाँ पर अभी भी मतदाता हैं। हालांकि सवेरे से जो लाइनें लगी थी लगातार बदस्तूर वो थोड़ी सी कम हुई है, मतदाता थोड़े कम हुए हैं, लेकिन वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा आया। सवेरे की अगर मैं बात करूं तो सैकड़ों की संख्या में लोग कई बूथों पर खड़े थे, गर्मी में खड़े थे, मुश्किल हालात में खड़े थे। आज चूंकि शुक्रवार का दिन है, जुमे की नमाज भी आज थी, इसके बावजूद लोग आकर के पहले फर्स्ट हाफ में ही वोट दे करके चले गए हैं। तो केरल की 20 सीटों पर आज मतदान हो रहा है और कांग्रेस के लिए यहाँ अपना किला बचाए रखना बड़ी चुनौती है। भीषण गर्मी है लेकिन उसके बावजूद भी तमाम मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग भी ग्राउंड जीरो पर पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए, तमाम अपडेट्स के लिए हम आपके पास जरूर आते रहेंगे। कर्नाटक के बीजापुर में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला, कहा आजकल अपने भाषण के दौरान काफी घबराए हुए रहते हैं वो नरेंद्र मोदी, शायद कुछ दिनों में स्टेज पर उनके आंसू निकल आए। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अमित शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ के जरिए देश में सरिया कानून लाना चाहती है।
मुंगेर में एनडीए की रैली में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार ने मुस्लिम वोटरों से कहा, जो काम करता है वोट उन्हें दे मुसलमान। नीतीश ने कहा, काम करें हम लोग और वोट मांगता है विपक्ष। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई देशों में ईवीएम नहीं, इंडिया गठबंधन जिताओ ईवीएम हटाओ। ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला, कोर्ट ने वीवीपैट की गिनती के लिए दायर सभी याचिकाएं खारिज की। निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा ईवीएम की सिंबल लोडिंग यूनिट को वोटिंग के बाद 45 दिन तक सुरक्षित रखा जाए। ईवीएम से मतदान पर सवाल खड़े करने वालों पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा एक बनी बनाई व्यवस्था पर आंख मूंद कर सवाल खड़े नहीं किए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई प्रत्याशी वीवीपैट से मिलान की मांग करता है तो खर्च उसे ही उठाना होगा, ईवीएम में छेड़छाड़ पाए जाने पर प्रत्याशी को खर्च की रकम लौटाई जाएगी। निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, कहा कागज की पर्चियों की गिनती के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन के सुझाव पर ध्यान दें, पर्ची पर हर पार्टी के बार कोड की संभावनाएं तलाशें। सुप्रीम कोर्ट ने मतदान से जुड़ी तीन तरह की याचिकाओं को खारिज किया, बैलेट पेपर से वोटिंग, सभी वीवीपैट पर्चियों की गिनती और वीवीपैट पर्चियों को बैलेट बॉक्स में डालने की याचिका खारिज। बिहार के अररिया में रैली के दौरान पीएम मोदी ने ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र किया, कहा सर्वोच्च अदालत ने साफ कर दिया है कि अब बैलेट पेपर का पुराना काल लौट कर नहीं आएगा। अररिया की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला, सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी ने ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संविधान की ताकत बताया, कहा मत पेटियों को लूटने का इरादा रखने वालों के सारे अपने चूर चूरने के लिए मतदाताओं में खासा उत्साह। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में लगी होगी तो बीजेपी इसे स्वीकार नहीं करेगी। मालदा पीएम में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में लगे मोदी मोदी के नारे, पीएम ने कहा अगले जन्म में बंगाल में किसी मां की गोद से जन्म लेने की ख्वाहिश। मालदा की रैली में पीएम नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर बोला हमला, कहा बंगाल में घोटाले करती है टीएमसी, भुगतान करती है बंगाल की जनता। पीएम ने मालदा के चुनावी मंच से कांग्रेस और टीएमसी पर बोला हमला, कहा टीएमसी और कांग्रेस में तुष्टीकरण का कॉम्पिटिशन। बंगाल में पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को आपकी जमीनें देकर बसाती है टीएमसी और कांग्रेस आपकी संपत्ति उनके बीच बांटने की बात कह रही है। महाराष्ट्र के अमरावती से बीजेपी प्रत्याशी नवनीत राणा ने राहुल गांधी पर कसा तंज, कहा राहुल गांधी को मैच्योर होने में 52 साल लगे, महिलाओं का सोना छीनने में 50 साल और लगेंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दिव्यांग विजय कुमार ने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदान किया, लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होना सौभाग्य की बात। बंगाल के बालूर घाट में पोलिंग बूथ पर बीजेपी प्रत्याशी सुकांत मजूमदार और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, मजूमदार का आरोप पोलिंग बूथ पर बड़ी संख्या में घुसे टीएमसी कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में दिलीप घोष के रोड शो के दौरान लगे विरोधी नारे, दिलीप घोष ने नारेबाजी करने पर बरसाए पुलिस। बंगाल में बीरभूम से बीजेपी प्रत्याशी देवाशीष धर का नामांकन खारिज, जिला निर्वाचन अधिकारी के उनके नामांकन में खामी की बात कही, हाईकोर्ट में अपील करेंगे देवाशीष। और बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मणिपुर में बंपर वोटिंग देखने को मिल रही है। पश्चिम बंगाल में 3 बजे तक 60% लगभग वोटिंग हुई है, मणिपुर में 3 बजे तक 68% वोटिंग हुई है और त्रिपुरा में 3 बजे तक 79% वोटिंग हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में 44%, राजस्थान में 3 बजे तक 50% के आसपास, महाराष्ट्र में 3 बजे तक 43% और मध्य प्रदेश में 3 बजे तक 46% मतदान हुआ है। लोग अपने मताधिकार का जमकर इस्तेमाल कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों से, अलग अलग पोलिंग स्टेशन से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं तमाम जो दिग्गज हैं चुनाव प्रचार के बाद, अब अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का वक्त है उनका भी। और ऐसे में ये तस्वीरें भी उनकी आप देख रहे हैं, किस तरीके से बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं, बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज हैं, उनने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी सुधार